सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने रिमांड के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने हत्या की साजिश रचने की बात भी कबूल ली। गोवा पुलिस के एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। हालांकि गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसी जानकारी होगी तो मीडिया को बता दिया जाएगा। पुलिस सूत्र के मुताबिक सुधीर साजिश के तहत सोनाली को गुरुग्राम से गोवा लाया था। गोवा में शूटिंग की कोई योजना नहीं थी। सोनाली की हत्या की साजिश बहुत पहले ही रच ली गई थी। गोवा पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं जो सुधीर सांगवान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, आपको बता दें 23 अगस्त को गोवा के करलीज रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड की जांच गोवा के अंजुना थाना की पुलिस कर रही है। सुधीर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का, जबकि इन दोनों के साथ ही रूम बॉय दत्ता प्रसाद गोइंकर, करलीज क्लब का मालिक एडविन और रमा मांड्रेकर के खिलाफ NDPS एक्ट का केस दर्ज किया गया है। पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली को साजिश रचकर मारा। दत्ता प्रसाद ने सुधीर को 12,000 रुपये में ड्रग्स उपलब्ध कराई। इस काम के लिए सुधीर ने दत्ता को 2 बार में 5,000 रुपये और 7,000 रुपये का भुगतान किया था। एडविन ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के इस्तेमाल का विरोध नहीं किया। रमा मांड्रेकर नशा तस्कर है, जिससे दत्ता प्रसाद ने ड्रग्स लेकर सुधीर को दी थी। जी हां, आपको बता दें गोवा के DJP जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को ज़बरदस्ती ड्रग दी थी। उन्हें पानी में मिलाकर मेथैम्फेटामाइन केमिकल दिया। तीनों ने अपने होटल के कमरे में MDMA को सूंघा और सुधीर पानी की बोतल में बचा हुआ MDMA कर्लिस क्लब ले गया। CCTV कैमरे में सोनाली को सुधीर वही पिलाते नजर आ रहे हैं। ड्रग की ओवरडोज से करीब 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम ले गए। वहां सोनाली को उल्टियां हुई। कुछ देर बाद में वापस आकर डांस करने लगी। 4:30 बजे के करीब फिर टॉयलेट ले गए, लेकिन वह खुद चल नहीं पा रही थी, ना ही खड़ी हो पा रही थी। सुधीर सुखविंदर उसे लेकर गए तो वह टॉयलेट में ही सो गई। वे दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह दोनों पहले सोनाली को पार्किंग एरिया में ले गए, वहां से ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट लाए, जहां से अस्पताल लेकर गए। वहीं ड्रग्स की बोतल लेडीज टॉयलेट में छिपा दी गई। सोनाली फोगाट की मृत्यु के दिन की पूरी कहानी गोवा पुलिस की केस डायरी में लिखी हुई है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर का कबूलनामा भी मिला। डायरी में लिखा है कि अंजुना पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद नाइक के अनुसार उन्हें सेंट एंथनी अस्पताल से 23 अगस्त की सुबह 9:22 पर मेडिकल ऑफिसर का कॉल आया था, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर इंस्पेक्टर द्वारा पूछताछ में बताया गया कि सोनाली फोगाट को यहां लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डायरी में यह भी लिखा था कि सुधीर और सुखविंदर से पूछताछ के अनुसार जब वे कर्लिस रेस्टोरेंट में थे तो सोनाली ने सुधीर को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद रात 2:30 बजे के आसपास सोनाली को लेडीज टॉयलेट में ले जाया गया, जहां उसने उल्टी की और वापस आकर डांस करने लगी। डायरी में लिखा है कि सुबह सोनाली के कहने पर 4:30 बजे दोबारा सुधीर सोनाली को टॉयलेट लेकर गया। वहाँ सोनाली सो गई। करीब सुबह 6 बजे दो लोगों की मदद से सुधीर और सुखविंदर सोनाली को रेस्टोरेंट की पार्किंग में लेकर गए, जहां से वे लोग एक टैक्सी में बैठकर ग्रैंड लियोनी रिसॉर्ट पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सोनाली की तबीयत और ख़राब होने लगी, जिसके बाद उसे सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया। डायरी के तीसरे पन्ने पर सुधीर सांगवान का कबूलनामा मिला। इस कबूलनामे में सुधीर ने बताया कि वह सोनाली को पार्किंग के नाम पर कर्लिस लेकर गया, जहां उसने पानी में ड्रग्स मिलाकर ज़बरदस्ती उसे पिला दी। अपने कबूलनामे में सुधीर ने बताया कि सुखविंदर ने ड्रग्स लेने में उसकी मदद की। सुखविंदर ने भी इस बात को कबूल किया। कबूलनामे में सुधीर ने आगे बताया कि उसने ड्रग्स में एक पानी की बोतल मिलाई थी, जिसे खुद सोनाली और सुखविंदर को भी पिलाया गया था। सुधीर इसके बाद पुलिस वालों को कर्लिस के उस टॉयलेट में लेकर गया, जहाँ उन्होंने ड्रग्स छिपाई हुई थी, ड्रग्स फ्लस्क के अंदर छिपाई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आईपीएल।